जी दूध। पानी मिलेगा क्या? जी। जी पानी। यार नहीं तो और क्या करूं? क्या हुआ जी? क्या हुआ? पूछते हुए शर्म नहीं आती है? अरे बेटा कुछ बताएगा हुआ क्या है? बाऊजी मुझे लड़की के साथ नहीं रहना है बस। कल ही तो शादी हुई है, डर गई होगी बेचारी। बेचारी ना तो ये बेचारी है और ना ही डरी हुई है। ये तो देखो बेटा हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे, जरा समझाओगे? बाऊजी मैं आपको कैसे समझाऊं? एक मिनट। बाऊजी ये वर्जिन मेरा पता, ये कुंवारी नहीं है। ये देखिए पंचायत ने सारी बातें सुन ली, शिवानी हमारी बेटी की तरह है। सारे पंचों से सलाह के बाद पंचायत का ये फैसला है कि शिवानी और उसके माता पिता शिवानी पर लगाए हुए इल्जाम को गलत साबित करने में असमर्थ रहे, इसलिए पंचायत समरकांत और उसके माता पिता के हक में फैसला सुनाती है। आशा करता हूं आप सभी इस फैसले का आदर करेंगे और उस पर अमल करेंगे। धन्यवाद। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं कोर्ट में जाऊंगी। आज के जमाने में इस तरह का केस सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन कोर्ट को हालात और सबूत के बिना पे अपना फैसला सुनाना है। समरकांत के वकील की दलील और समरकांत के दिए हुए सबूत कोर्ट के पास है। आपको इस मुद्दे में कुछ कहना है? क्या कहेंगे साहब, हम इतना ही कहेंगे कि हमने दिए संस्कारों पर हमें पूरा भरोसा है। लेकिन संस्कारों को कोर्ट सबूत नहीं मान सकता। Myself, Dr. आभा सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट। मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि आज भी ऐसे विचारों के लोग मौजूद हैं। एनीवेज मैं सिर्फ यहाँ इस केस से संबंधित कुछ तथ्य एक्सप्लेन करूंगी। वर्जिनिटी या कौमार्य को हमारी सोसाइटी में एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन वर्जिनिटी प्रूफ करने का कोई भी सॉलिड उपाय नहीं है। देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन व्हिच इज पार्शली कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग। फिजिकल रिलेशंस के दौरान प्रेशर से ये झिल्ली जो बहुत नाजुक होती है फट जाती है और इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और इसी ब्लीडिंग को हमारी सोसाइटी में कौमार्य भंग होने का प्रमाण माना जाता था। यहीं पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। फिजिकल रिलेशन ही हाइमन के फटने की एकमात्र वजह नहीं है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर बहुत सारी एक्टिविटीज करती हैं, गेम्स खेलती हैं, लाइक क्रिकेट खेलती हैं, कबड्डी है, हॉकी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और इन्हीं सारी एक्टिविटीज की वजह से ये झिल्ली फट जाती है या फिर फट सकती है। इसलिए हाइमन का पहले से फटा होना या फिर फर्स्ट नाइट को ब्लीडिंग का ना होना ये साबित नहीं करता है कि लड़की पहले से वर्जिन या कुंवारी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं डॉक्टर कि आपने मेडिकल साइंस से जुड़ी वो महत्वपूर्ण बातें कोर्ट को बताई हैं जिसके बारे में अभी भी काफी लोगों को यहाँ जानकारी नहीं है। लेकिन सारे सबूत मुद्दे गवाह और रिश्तों की नाजुकता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये अपना। जज साहब मैं माफी चाहूंगी, लेकिन आपका फैसला सुनने से पहले मैं अपना फैसला अपने पति परमेश्वर और उनके समस्त फैमिली वालों को सुनाना चाहूंगी। शादी एक अनमोल रिश्ता है जो विश्वास के धागों से बनता है, लेकिन अगर पहली रात पति अपनी पत्नी के कैरेक्टर पे उंगली उठाए तो रिश्ता कैसे टिक सकता है? जज साहब हो सकता है आपका फैसला मेरे हक में हो, लेकिन मैं ऐसे दक्यानुसी सोच रखने वाले परिवार के साथ कभी नहीं जुड़ना चाहूंगी। कहा तो मिस्त्री पुरुष को एक ही तराजू में तौलते हैं,
समान हक की बातें करते हैं, लेकिन इनके जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ इंसान पहले इलाज वर्जिनिटी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। किस हद से, ये तो समस्त स्त्री जाति का अपमान है। मेरे माँ बाबूजी के दिए संस्कारों पे सवाल उठाने का हक किसी का भी नहीं है। क्यों हमेशा हम लड़कियों से ही पूछा जाता है, आर यू वर्जिन? आज मैं इस कोर्ट में आप सबके सामने एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मिस्टर समरकांत, आर यू वर्जिन?